हाँ जी 12:01 हो गया, मगर दुबई वालों ने कहा है कि बुर्ज खलीफा पे पाकिस्तान का झंडा नहीं लहराया जाएगा, नहीं नजर आएगा, ये औकात रहेगी हमारी। पाकिस्तानियों का गुस्सा तब और भी ज्यादा भड़क गया जब भारत के स्वतंत्रता दिवस पर बुर्ज खलीफा पर तिरंगा दिखा दिया गया। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में भारत की आजादी का जश्न मनाया गया है। इंडिया का इंडिपेंडेंस डे जो है वो इस तरह मनाया गया कि दुबई में, ठीक है, और सिडनी में, हत्ता के यहाँ तक के स्पेस में भी इंडिया के झंडे लगाए गए हैं। कि पूरी दुनिया में इंडिया का इंडिपेंडेंस डे किस तरह से सेलिब्रेट किया गया, क्या कहेंगे? बहुत सारे वहाँ के जो हमारे वहाँ पे इंडियंस हैं उन्होंने भी विश किया और बड़े अच्छे तरीके से विश किया है। बिल्कुल, ये वो स्पिरिट है मेरा ख्याल है जो हम चाहते हैं। गांधी एक अच्छी डिवोशन है, डेडिकेशन है जो बनाने वाले ने भी शो की है और जिस तरह से लोग सपोर्ट शो कर रहे थे फॉर इंडिया, मेरे ख्याल में पाकिस्तान के लिए तो मैंने तो अभी तक कोई नहीं देखी सोशल मीडिया पे ऐसी सर्कुलेटिंग वीडियो, और ये है कि एक अच्छा मैसेज देने की कोशिश की गई है थ्रू वीडियो। सो सैड, प्रैंक हो गया पाकिस्तानियों, किस तरह तुम लोगों के साथ तुम लोगों की कमेंट कर रही है, यही तुम लोगों के साथ होना चाहिए। पाकिस्तानी लोगों को अपने स्वतंत्रता दिवस पर सदमा लगा है जिसे वो कभी नहीं भूल पाएंगे। पूरी दुनिया में पाकिस्तान का मजाक उड़वा रहे हैं आप लोग। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। आज हमारा झंडा नहीं लगा, कल को दुबई आपको पता है एक हब बनी हुई है, कल को दुबई के वीजे बैन कर देंगे तो पाकिस्तान का भी फिर वही होगा। ऑब्वियसली इंसल्टिंग बात है हमारे लिए, इंसल्टिंग से ज्यादा हमारे लिए फिक्र की बात है कि हम आगे आके क्या करेंगे। क्या पूरे पाकिस्तान की वैल्यू नरेंद्र मोदी की जितनी भी नहीं है कि वो तस्वीर लगा देते, हमारे पाकिस्तान का झंडा लगा देते, हमारे शायकीन खड़े होकर वहां पर इंतजार कर रहे थे कि भाई अभी पाकिस्तान का झंडा लगेगा। पूरे 12 भी उन्होंने इंतजार किया पाकिस्तानियों ने, लेकिन झंडा कहीं भी नहीं लगा। हमारी आज़ादी को हम ही नहीं सेलिब्रेट कर रहे और जो उनकी आज़ादी है वो पूरी दुनिया में सेलिब्रेट की जा रही है। आप लोगों के आगे मैं आज हाथ जोड़ती हूँ, इस बब्बा को मजाक ना समझिए। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक और वीडियो में। दोस्तों 14 अगस्त के दिन पाकिस्तानी दुबई में बुर्ज खलीफा के पास इकट्ठा होकर इंतजार कर रहे थे कि बुर्ज खलीफा पर उनके झंडे को दिखाया जाएगा 12:01 पर रात को, ठीक है, लेकिन दुबई वालों ने नहीं दिखाया जिसकी वजह से पाकिस्तानी काफ़ी तिलमिला गए और 15 अगस्त को उसी दुबई ने बुर्ज खलीफा पर भारत के झंडे को दिखाया जिसकी वजह से पाकिस्तानी और तिलमिला गए। बोल रहे हैं कि भाई भारत का तो मतलब कि हर जगह बोलबाला है, हर जगह उनकी रिस्पेक्ट हो रही है और हमारा डिरिस्पेक्ट हो रहा है। तो मैं उन लोगों को बता दूं कि सिर्फ दुबई में ही नहीं दुनिया के अनेकों देशों में, जैसा कि आप लोगों ने क्लिप में देखा होगा, भारत के झंडे को जो है दिखाया गया है और 15 अगस्त को मनाया गया है, और पाकिस्तान को तो मुझे लग रहा है कि गल्फ में भी नहीं मनाया गया है। तो चलिए वीडियो में बढ़ते हैं आगे और देखते हैं वीडियो को, काफी शानदार वीडियो है तो वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए वीडियो देखते हैं। किस किस को पता है 15 अगस्त को आजाद हुए कि 14 अगस्त को? 14 अगस्त 1947। आपको क्या लगता है अंकल जी कब आजाद हुए हम? 14 अगस्त 1947 को आजादी मिली हमें जी। 15 अगस्त को भारत को अंग्रेजों से आजादी मिली थी सर। हमें आजादी अंग्रेजों से और हिंदुओं से मिली थी 14 अगस्त 1947, क्योंकि अंग्रेजों ने कब्जा हिंदुस्तान का 15 अगस्त को छोड़ा था, इसलिए उनका योम आजादी जो है वो 15 अगस्त है। नहीं, हमने जिस दिन को अंग्रेजों अगस्त यही योम आजादी, आप इसको क्यों मुतनाजा बना रहे हैं? कंट्रोवर्सी अगर सुन लेंगे तो ज्यादा बेटर हो जाएगा सर। आजादी वाला दिन जो है हमारा 15 अगस्त, मैं आपको दलील देकर समझाता हूँ कैसे। एक सेब को अगर छुरी मार के काटा जाए तो क्या एक हिस्सा कल 14 को और एक 15 को अलग होगा? बात ये कि हमें जो आजादी मिली थी, हमारे जो आजादी की अनाउंसमेंट हुई थी वो 14 अगस्त 1947 और 27 रमजान मुबारक को लैलतुल कदर की रात को हुई थी सर। ऐसे ठीक है ना? नहीं नहीं, बात सुनने अपनी बात ना सिर्फ सुनाए। जी जी जी, 1947 को लैलतुल कदर की रात को हमें हिंदुओं से और अंग्रेजों से हमें आजादी मिली थी सर। एक ही दिन साइन हुआ है, एक दिन वहाँ, मैं आपको दलील देके बता रहा हूँ, अगर मैं गलत हूँ तो किसी भी प्लेटफॉर्म पे मुझे ले जाए। उन्होंने जो आजादी हासिल की है वो अंग्रेजों से हासिल की है, हमने आजादी की हासिल की है हिंदुओं से और अंग्रेजों से, दोनों से सर। हम तो हम साथ नहीं थे पहले, इकट्ठे नहीं थे हम अंग्रेजों के, अंग्रेजों यहाँ काबिज थे, ठीक है ना? अंग्रेजों से तो 15 अगस्त को उन्होंने हमें, उन्होंने 15 अगस्त को उन्होंने भारत को आजादी दी, उन्होंने 14 अगस्त को। ऐसे नहीं हुआ, ऐसे नहीं हुआ अंकल, मैं आपको बताता हूँ, हिस्ट्री सुने। 15 अगस्त को क्या हुआ है कि जब अंग्रेजों से हमने आजादी ली है तो उसी टाइम में अंग्रेजों ने भाई बंटवारा किया मुल्क का,
अब हिंदुओं ने तो किया नहीं है, आपको इस बारे में तो इन्फॉर्मेशन तो होगी, अंग्रेजों ने ही हमें अलग किया है। पाकिस्तान मुसलमानों ने कहा कि भाई हमें एक अलग वतन चाहिए। ये देखिए हिस्ट्री है, हिस्ट्री को हिस्ट्री की तरह देखना चाहिए। कायद आजम ने क्या कहा कि भाई हम मुसलमान हैं, हम 15 अगस्त को नहीं मनाएंगे हिंदुओं के साथ, हम मनाएंगे 14 अगस्त को, 15 अगस्त को इंडिया मनाएगा। ये राइट हिस्ट्री है, आपको पता थी इससे पहले? बात ये फिर ठहर जाए, मेरी बात सुन, अगर कायद आजम पाकिस्तान ने ये रूल बनाया या उनके कहने पर ये एक पाकिस्तान का के लिए मुकर्रर किया गया दिन 14 अगस्त का, ठीक है ना, तो मेरे ख्याल में ये आजादी का डिजाइन दिन भी उन्होंने डिसाइड कर दिया, कर दिया। तो फिर आप इसमें क्यों, आप किस बात को ऑब्जेक्शन कर रहे हैं? हम यहाँ पर अपनी हिस्ट्री को जानना चाह रहे हैं, यहाँ पर हिस्ट्री आपको, अगर कोई बंदा पूछता, अंग्रेज आके आपसे पूछता, अगर मैं अंग्रेज होता आपकी जगह, कोई बाहर या कोई और होता आपसे, मैं पूछता कि भाई आपको आजाद कब मिली? कायदे आजम रहमतुल्लाह अलैह ने नॉमिनेट किया 14 अगस्त का दिन, ठीक है ना, आप ये कह रहे हैं, ठीक है ना, बिल्कुल, जबकि जो आजादी का दिन जो मनाया जाता है, यौमे आजादी, ठीक है ना, वो 14 अगस्त 1947 का मनाया जाता है, और यौमे आजादी का मतलब भारत और हिंदुओं अंग्रेजों से दोनों से आजादी की, ठीक है ना। तो अब देखिए हिंदुस्तान, अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेजों ने बड़े सगीर को अलग किया। बड़े सगीर में कौन कौन थे? आज का बांग्लादेश, पाकिस्तान और हिंदुस्तान सारे एक ही था। इस पूरे बड़े सगीर में, बड़े सगीर से कब निकले हैं बाहर हम? बिल्कुल सही बात है, ठीक है ना। हम तो अभी बड़े सगीर में, मतलब ये जो आप सामने खड़े हुए हैं, ये चले जाए आपको छोड़ के, अगर हम आपकी गुलामी कर रहे हैं तो आप चाहेंगे कि हम आपको छोड़ के अलग हो जाएं? मतलब क्या कहना चाहते हैं? हमने अपने सिर पर मुल्क हासिल किया, ठीक है, ये बड़ी कुर्बानियों के बाद ये मुल्क हमें मिला है। बिल्कुल, आप ये हिसाब लगा लें कि जब कायदे आजम था, लोगों में वफा थी, उन वफा के जरिए हमने मुल्क खरीदा, ठीक है, हमने खरीदा ही है, ये जानने देकर हमने मुल्क खरीदा है, ठीक है। उसके बाद अंग्रेजों से तो लड़े नहीं है अंकल, एक मिनट सुन लेंगे हम तो अंग्रेजों के साथ, अंग्रेज एक नहीं मरा, हम तो आपस में नस्ल मरी है ना, एक तो हिंदुओं के साथ, हिंदू कौन थे, हम में से ही लोग कन्वर्ट होकर मुसलमान हुए ना, हमारी नस्लों में से ही, के सारे यहाँ से अरब से आए हैं। बात ये मैं यहाँ पर हिस्ट्री से, सर हिस्ट्री बहुत प्यारी है हमारी, हम एक ही हैं, हम नफरतें खत्म करने के लिए आया हूँ मैं। देखें जिसके साथ भी नफरत, साहब रहमतुल्लाह अलैह, बहाउद्दीन ज़िकरिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह, और इस तरह के बहुत सारे सूफियाने इकराम ने यहाँ पे सदियों से यहाँ तबलीग का सिलसिला शुरू किया हुआ था, ठीक है ना, और उन्होंने यहाँ पे हिंदुओं को इस्लाम से मुतारिफ करवाया, ठीक है ना, और मुसलमान हुए लोग, कोई शक नहीं। और फिर एक वक्त आया कि जब मोहम्मद बिन कासिम ने देबल के मुकाम पर हमला किया और मुसलमानों को यहाँ पे जो जुल्म और जबर किया हुआ था उससे आजादी दिलाई, एक पहली इस्लामी रियासत की बुनियाद सिंध के अंदर रखी गई। जी बिल्कुल रखी, बिल्कुल रखी। अब बात ये है कि मुसलमानों का जो हम कह लें, हम कन्वर्ट हुए हैं, कन्वर्ट हुए हैं, तो वैसे तो अरब के अंदर भी सारे कन्वर्ट होके मुसलमान हो, वो भी बहुत सारे मुशरिक थे, ठीक है। तो इस्लाम का एक खूबसूरती है कि वो अपने अंदर सबको ढाल लेता है, लेकिन ये दावा कोई हिंदू ईसाई या सिख नहीं कर सकते कि ये इतने करोड़ मुसलमान जो है वो हमने हिंदू बना दिए या सिख बना दिए, या ठीक है ना, ये शर्फ इस्लाम को ही हासिल है। दोस्तों पाकिस्तानी बोलते हैं कि वो लोग 14 अगस्त को आज़ाद हुए हैं और भारत जो है वो 15 अगस्त को आज़ाद हुआ है, तो मैं उन लोगों से ये पूछना चाहता हूँ कि पहले पूरा भारत ही था, पाकिस्तान तो था नहीं, तो पाकिस्तान कैसे 14 अगस्त को आज़ाद हो गया? भारत ही आज़ाद हुआ होगा ना 15 अगस्त को, पाकिस्तान तो बाद में बना है, आज़ादी के बाद जब पाकिस्तान बना है तो पाकिस्तान भारत से पहले कैसे आज़ाद हो सकता है? और आज़ादी की बात छोड़िए, पाकिस्तान आज़ाद कैसे हो सकता है, पाकिस्तान तो था ही नहीं, पाकिस्तान का तो जन्म हुआ है, पाकिस्तान का जन्म हुआ है 1947 में, ठीक है, वो लोग आज़ाद नहीं हुए हैं, ये लोग मानते ही नहीं हैं। तो चलिए आप लोग वीडियो पूरा देखा, कमेंट्स करके बताइएगा आप लोग क्या सोचते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में।